शासन के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा एवं न्यायिक तहसीलदार विकास कुमार के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया तथा बालिकाओं को दिए जाने वाली सुविधाओं, पठन पाठन, भोजन, रखरखाव के बारे में बालिकाओं से जानकारी लिया तथा बालिकाओं से पूछा गया कि समय से नाश्ता, भोजन, दूध और फल मिलता है कि नहीं। वार्डन से विद्यालय के मेंटेनेंस के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। उन्होंने स्टोर रूम, किचन तथा क्लासरूम का निरीक्षण किया तथा बाकी सुविधाओं को और बेहतर से बेहतर किए जाने का निर्देश भी दिया, जिसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रसद सामग्री की जाँच की गई। जाँच के दौरान सभी चीजें सामान्य पाई गई। उन्होंने कहा कि विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाया गया, सब ठीक ठाक चल रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर नगर मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वर्मा ने कहा, ये 8 तारीख में आया था सर, 6-8 इसमें तो दिया है। आपको देखिए लेटर कब गया था, इसमें 25-30 तारीख में। हाँ तो अभी नहीं आया सर, इस महीने डिमांड चला गया। स्टॉक रेशियो दिखाइए जी और स्टोर रूम दिखाइए। स्टोर खोलिए सर। ये स्टाफ रजिस्टर, कितनी बालिकाएं हैं यहाँ पे सर? 100 का है, 100 बच्चों का कस्तूरबा होता ही है। कितनी मौके पर? मौके पे 81 प्रेजेंट है सर। कौन कौन सी किस क्लास है, किस क्लास का सर? 6 से 8 है। प्रतिदिन का सर अलग अलग है। कितने लोग काम कर रहे हैं सर? यूज होता रहता आता रहता है, कहीं और जगह फड़ी हुई है। कौन लेके आता है सर? सड़ी नहीं है, जैसे बहुत गर्मी है ना, उसी समय आया हुआ है। अरे मैडम देख लो, प्याज कैसे, कितने दिन हो गया? तो छटवाते रहते सर, वही 6-8 में ही आया था। तो जो सड़ गया उसको हटवा? हां उसको तो छटवाते हैं सर, नहीं तो बहुत ज्यादा खराब रहता है। हट जाएगा सर। चलिए नरेश सर, उसमें नमकीन है ये संतरी जो है और वो सरसों तेल का है। सरसों तेल ये सर, हाँ जी। फोटो ले लीजिए मैडम आप भी। इसी से देखते हैं उसका उत्तर फिर 7:26 है। अच्छा जी सर, सर इसमें जो होगा वही इतना ही आता है, सिर्फ अभी आगे डलवा देते हैं सर, क्योंकि चूहा लग जाता है। पानी नहीं, वो ऐसे कैसे नहीं, बच्चियां तो खाना खाती हैं। तीन लोग बात वो नहीं, बच्चियां खाना खाती हैं, खुद बर्तन साफ करती हैं। आप लोग करते हैं अपनी जो बड़ी बड़ी है वो कर जो मतलब कुल मिला के वो करेंगी करेंगी नहीं आप करो ये इसको साफ करो ये बाहर क्या करना है एक लोग बताओ कोई क्या पढ़ रहे हो आप बताओ अभी तो ऐसे तो देख रहे हैं अच्छा चक्कर से होता है क्या क्या खाया आपने आज? दाल चावल।
नमस्ते। कोई दिक्कत आप लोगों को बताइए, कोई दिक्कत होगी बताइएगा, ठीक है? कोई दिक्कत मैडम पढ़ाती है अच्छे से, ठीक है? तो सारे सैटरडे को तो उठाते हैं। अरे ये काम कुछ नहीं, फल वल कुछ केला मिला, देर में आया, दूध है हाँ? दूध देर में आया सर, दूध मिलता है कि नहीं? सुबह सुबह मिलता है तो शाम को मिल जाता है, रोज खाने को मिलता है कि नहीं? और क्या मिलता है आज मैं राजेश कुमार वर्मा वीडियो खोराबार नायब तहसीलदार विकास के साथ आया हूं और यहां पर रसद सामग्री की जांच की गई, जांच में चीज़ें ठीक पाई गई और मतलब बच्चों से भी मैंने बात किया, उनको पूरक आहार मिल रहे हैं और बच्चे खुश भी हैं। जी नहीं, कुछ कोई कमियां नहीं मिली, इनके स्टॉक भी ठीक ठाक पाए गए और बच्चे पर्याप्त भोजन भी पा रहे हैं, इस बात का भी उन्होंने वो किया और मतलब यहाँ पे व्यवस्था ठीक लगी।